फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अक्षय। टुडे आई विल डिस्कस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज मैं आप लोगों के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। जितने भी एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन आई है सारे क्वेश्चन इस वीडियो में है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्कस करने से पहले, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये यूनियन लिस्ट में आता है, भारतीय संविधान के पार्ट फाइव में आता है, पार्ट फाइव भाग पाँच में। भाग पाँच में यूनियन है, मतलब केंद्र के अंडर में ये सब आती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पार्ट फाइव में आती है, ये पार्ट फाइव में आती है। और इसमें 1+33 जज बैठते हैं, और ये वन जज हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो सैयद अरविंद बोबड़े हैं, एस ए बोबड़े। और ये 33 जज की एक बेंच होती है जो कंबाइंड होकर बैठती है, ठीक है। तो अलग अलग जजेस होते हैं, सबकी सैलरी अलग अलग होती है। जैसे इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी होती है 2,80,000। और जहाँ ये 33 जजेस की बात करें तो इनकी सैलरी होती है 2,50,000, 2,50,000 इनकी सैलरी होती है। आप ये ध्यान रखिएगा। और इनकी रिटायरमेंट की ऐसे एज होती नहीं है, ये 5 साल तक बने रहते हैं या 65 साल तक, जो पहले हो जाए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही वापस देते हैं। तो चलिए देखते हैं अब तक एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट को लेके। और स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षण व व्याख्याकार कौन है? संविधान का संरक्षण व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ये आर्टिकल 32 में लिखा गया है। ये आर्टिकल 32 को एक और नाम से जाना जाता है, संविधान की आत्मा बोलते हैं। संविधान की आत्मा के नाम से भी इसे ही जाना जाता है, संविधान की आत्मा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा बोला था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय गठन एवं उसकी शक्तियों और न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये ली गई है। लेकिन बात करें भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय से ये फेडरल कोर्ट, ये 1935 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 आया था, उससे सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का गठन इंडिपेंडेंस होने के बाद, मतलब भारत रिपब्लिक होने के बाद, गणतंत्र होने के बाद ये स्थापित हुआ, बट ये आया था 1935 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यायालय की व्यवस्था क्या है? तो अमेरिका में न्यायालय की व्यवस्था, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अमेरिका में न्यायालय की व्यवस्था द्वैध व्यवस्था है, मतलब डबल है। यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट जैसे भारत में है वैसे ही एक हाई कोर्ट होती है, अमेरिका में भी वैसा ही सिस्टम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो न्यायालय की एकल सिंगल सिस्टम भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की गई है, तो ये सिंगल सिस्टम सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारे में सुप्रीम कोर्ट होती है। ये कहाँ से ली गई है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 से ये लिया गया है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 से सिंगल सिस्टम लिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो फंडामेंटल राइट्स की देख रेख कौन करता है, उसकी रक्षा कौन करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करता है। मैंने बोला ये आर्टिकल 32 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा बोलते हैं इस आर्टिकल को। इसमें ही लिखा गया है कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था? ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था, इसका उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट फर्स्ट टाइम हुआ था, भारत रिपब्लिक हुई थी। तो इसके बाद, इसके दो दिन के बाद ही 28 जनवरी 1950 को
सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय ने किस देश के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था जो अब तक के अपील का सर्वोच्च न्यायालय था? ये ब्रिटेन का था, ये ब्रिटेन का था, तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग पाँच में ये है, तो ये है कहाँ से कहाँ तक है? ये है आर्टिकल 124 से 147, 124 टू 147 है ये आर्टिकल, आप यह ध्यान रखिएगा। मैंने ये बोला ना भाग पार्ट, मैंने ये फर्स्ट में ही बताया था, ये पार्ट फाइव में है। पार्ट फाइव में एक्चुअली मैं बता देता हूँ पार्ट फाइव में होती कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पार्ट फाइव की अगर हम बात करें तो पार्ट फाइव में होती है, पार्ट फाइव में सेंट्रल के सभी सारे लोग होते हैं, जैसे पीएम, प्रधानमंत्री, ये हो गए हमारे प्रेसिडेंट, फिर हो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, अटॉर्नी जनरल, ये सब सब पार्ट फाइव में ही आते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 में है, ये 124 है। अच्छा, मैं एक और इसमें मैं पार्ट फाइव में ही आती है, पार्ट फाइव में ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं पार्ट फाइव में ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये मैंने तो बता दिया। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा गलत है? तो ये आर्टिकल, कुछ कुछ आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा। तो आर्टिकल देखते हैं, जैसे एक आर्टिकल है आर्टिकल 139, सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति, ये तो आप ध्यान ही रखिए 139 ही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिट निकालती है, रिट रिलीज करती है। और आर्टिकल 141 है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सभी न्यायालयों को लागू होगा। मतलब आर्टिकल 141 काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, आर्टिकल 141 ही है जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो वो सभी कोर्ट को ही मानना पड़ेगा, सभी न्यायालय, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर स्टेट कोर्ट हो। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर्वोपरि है, इसे कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की सकती है, और राष्ट्रपति जब भी सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट के जज से ही सलाह लेता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये भी सही है। ये तीनों सही हैं, ये गलत है 145 न्यायाधीशों का वेतन, ये गलत है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों की अर्हताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ये देखते हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, नियुक्ति में कौन सा कथन सत्य है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ये सच है। उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के न्यायाधीश होना चाहिए तथा उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष का वकील होना चाहिए। ये भी काफ़ी एग्जाम पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एलिजिबिलिटी क्या है। तो 5 साल के लिए कम से कम उसे किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए या 10 वर्ष तक का वकील होना चाहिए। तो ये राष्ट्रपति के मत से उन्हें सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, तो राष्ट्रपति ही उसे नियुक्त करता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मैंने पहले ही बताया, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। ये CJI की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अभी प्रेजेंट में कौन है? AC बोबड़े। इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था बट इनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है, ये आप यह ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यायाधीश के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? ऐसा न्यूनतम एज नहीं है कुछ, रिटायरमेंट की एज डिसाइड है, रिटायर्ड की एज डिसाइडेड है 5 साल या 65 साल, बट ज्वाइनिंग की नहीं है इसलिए कोई नहीं। चल चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वह 65 वर्ष की आयु तक पद बने रह सकते हैं, वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र दे सकता है, संसद की सिफारिश पे उसे हटाया जा सकता है। तो सी सभी होगा इसमें। चल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, तो जब नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है तो हटाया भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही जाता है, प्रेसिडेंट इसे हटा सकता है, प्रेसिडेंट इसे हटा सकता है, प्रेसिडेंट PM क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री के कहने पर इसे हटा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो एक ये भी मतलब काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि जज को हटाने के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में संसद में होना चाहिए, संसद तो संसद में होना चाहिए। संसद में 2 आती हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों में 2/3 से बहुमत से ये पास होना चाहिए तभी हट सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो आर्टिकल है 129। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय के गठन स्वतंत्रता आदि का उल्लेख मिलता है? तो किस भाग में मिलता है? भाग 5 में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे निर्धारित होता है, किससे दिया जाता है? मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका हिंदी होता है भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, संचित, भारत की संचित निधि, संचित निधि से इन्हें पेमेंट दिया जाता है। इनकी पेमेंट कितना होती है? 280,000 है। तो यह ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस समय उच्चतम न्यायालय में कुल कितने जज हैं? तो इस टाइम कितने हैं? 1+33 मतलब टोटल कितना हुआ? 34। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी 33 भी ऑप्शन होता है, तो 33 इसलिए होता है कि अन्य जज की कितने होती है, तो अन्य 33 होते हैं, एक CJI होते हैं, तो टोटल 34 हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो जैसे हमारे अभी प्रेजेंट में 34 जजेस हैं, तो इनको बढ़ाया जा सकता है और संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इसका अधिकार किसे दिया गया? संसद को दिया गया, पार्लियामेंट को। इसमें कौन सा होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अगेन इसे पास करवाने में 2/3 मेजोरिटी चाहिए तब ये चेंज होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 26 से बढ़ाकर 31 की थी, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और है अभी जैसे हाईकोर्ट का भी क्वेश्चन आता है, तो हाईकोर्ट भारत में कितना है? 28। रिसेंट कौन सा है? तेलंगाना, आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त कर सकता है? जब उसके पद खाली हो, रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ हो, उपयुक्त सभी डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की पेंशन उनके अंतिम वेतन के कितना प्रतिशत होती है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब ऐसा होता है कि इन्हें पेंशन कितना दिया जाएगा, तो जब ये रिटायर्ड होते हैं तो इनका जितना भी वेतन होता है उस वेतन का 50% इन्हें मिलता है, पेंशन के रूप में मिलता है, तो ये डी हो गया, ऑप्शन बी 50%। चल जाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ घोषित किया है? तो ये तो आप लोग सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का है, दिल्ली में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित करा सके? अगेन मतलब दिल्ली से हटा के इसे कहाँ रखा जा सकता है, ये किसको किसके पास अधिकार है? तो प्रेसिडेंट के पास होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति से कोई अनुमति लेकर, मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है कि राष्ट्रपति से अनुमति लेकर कहीं और इसे स्थापित किया करवा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर की घोषणा किस मामले में की थी? तो यह किया था केशवानंद भारती मामला, ये काफ़ी हाईलाइटेड केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर प्रियम्बल में बोला गया था कि
कि अगर उसमें छेड़छाड़ नहीं हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? ये कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक बार ऐसा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश ने ये कार्यभार संभाला है। तो ये कब हुआ है? ये हुआ था 1969 में। कौन, किसने संभाला था? उस समय थे हमारे न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला थे जिन्होंने प्रेसिडेंट का काम संभाला था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया। बहुत टाइम ये क्वेश्चन पूछा था फीमेल में कौन थी, तो फीमेल में बात करेंगे तो फीमेल में कौन थी? फातिमा बीबी। हो तो आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो हम चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ऐसे हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो आती हैं और हमारे चैनल पे लेटेस्ट जॉब अपडेट भी आती है। तो लेटेस्ट जॉब अपडेट भी आती है, आप लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।